नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। 8 मार्च को हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करने वाले हैं। इस बजट को लेकर लोगों की क्या कुछ अपेक्षाएं हैं, व्यापारिक वर्ग इस बजट से क्या उम्मीदें कर रहा है, महिला इस बजट से क्या उम्मीदें कर रही हैं, किसान इस बजट से क्या उम्मीद कर रहा है, नौजवान इस बजट से क्या उम्मीद कर रहा है, उद्योगपति इस बजट से क्या उम्मीद कर रहे हैं, ये हर किसी के जहन में एक सवाल उठ रहा है। और इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आज हम पंचकुला में फिलहाल मौजूद हैं। यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे, यहाँ के लोगों से हम बजट को लेकर उनकी राय जानना चाहेंगे कि वो इस बजट से, हरियाणा का जो बजट 8 मार्च को पेश होने वाला है, इससे क्या कुछ उम्मीदें वो कर रहे हैं, क्या कुछ अपेक्षाएं उनकी हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? कुंवर सिंह जी। कुंवर जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप इस बजट से, क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद करता हूँ कि जो बजट 8 मार्च को पेश होने वाला है विधानसभा मिस्टर खट्टर जी, तो उम्मीद करता हूँ कि वो आम आदमियों को देख के महंगाई के मुद्दे पर थोड़ी सी ध्यान रखेंगे और बजट को जो है नॉर्मल रहेंगे, और क्या कहते हैं, दिन प्रतिदिन जो महंगाई वगैरह और बेरोजगारी बढ़ रही है तो उस पर भी ध्यान देंगे, और आम जो दुकानदार हैं और मीडियम क्लास के लोग हैं उनको ध्यान रखकर उनके हिसाब से बजट पेश करेंगे। धन्यवाद जी। सर, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बजट से, आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या आपको लग रहा है क्या होना चाहिए, और क्या जी, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करें, क्योंकि उस दिन तो महिला दिवस भी है और इसीलिए महिलाओं के लिए क्या कुछ होगा इस पर भी नजरें होंगी, लेकिन फिर भी आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि मतलब बजट जो होगा शांतिपूर्ण रहे, और दूसरा बजट रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए नौजवान को, जो ये मतलब कि ड्रग्स के उसमें जा रहे हैं या नशे के उसमें जा रहे हैं, उसके लिए कम से कम इंडस्ट्री को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, नवी नवी इंडस्ट्री लेके आनी चाहिए, आईटी हब बनाना चाहिए हर सिटी में, ताकि लोगों को आईटी में नौकरी, क्योंकि आईटी वाले लोग ये लॉकडाउन में सारे बेरोजगार हो चुके हैं, जिसमें जिनको 5-10 साल का एक्सपीरियंस है सब बेरोजगार हैं, क्योंकि कंपनी ने हाफ सैलरी कर दी थी उसके बाद लोगों को अपना घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। और इंडस्ट्री एरिया से देखें तो लोगों ने इतना रेंट दे दिया जिससे वो अपने एम्प्लॉइज के सैलरी निकालने के लायक नहीं रह गए, लोन भी एक तरफ लोन है एक तरफ उनकी एम्प्लॉइज की सैलरी है, तो उन्होंने ऐसे रेंट वाले सारे ऑफिस खाली कर दिए हैं। इसको भी सरकार ने अपने बजट में देखना चाहिए कि किस तरह से इनको छूट देनी चाहिए, ताकि रोजगार और बढ़े और नए जवानों को रोजगार मिले, जिसके करके शांति रहे और अच्छा बजट ऐसा लेके आने चाहिए तो गरीब जनता को साथ मिले। और महंगाई इस टाइम में बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ गई है, उसको भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास कमाने के लिए इस टाइम कुछ ऐसा साधन नहीं है, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं कोई इंटरव्यू के लिए आते हैं, कोई जाता है मेन हो जाता है मेन इनकम सैलरी पे, हर कोई बंदा इंटरव्यू के लिए आता है तो वो मेन सैलरी के ऊपर हो गया, क्योंकि बंदा इतनी दूर जाएगा अपना पेट्रोल खर्चा, पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, तो सैलरी उतनी नहीं मिल पा रही है इस बार प्राइवेट सेक्टर में। लोग तो गवर्नमेंट के सरकार तो गवर्नमेंट की सैलरी बढ़ाई जा रही, पर थोड़ा प्राइवेट की तरफ भी ध्यान देखना चाहिए, जिसके करके उनका भी रोजगार चल सके, और न्यू इंडस्ट्री लेके आनी चाहिए हर सेक्टर में, नवन टेक्नोलॉजी या बंदों को खुद रोजगार बनाओ, कुछ ऐसी टेक्निक लेके आनी चाहिए मेरी तरफ से। बिल्कुल, अभी हम जब आपसे बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, तो आप बिजनेस को लेकर भी कुछ राय दे रहे थे, बता रहे थे कि आप बिजनेस को लेकर भी सरकार को सोचना चाहिए कि बिजनेस किस तरीके से बूस्ट करे। बिजनेस मेरा भी बिजनेस था गारमेंट का बिजनेस था, तो मैंने रेंट में ही मैं लुट गया, उसमें रेंट इतना हो गया 5-6 लाख रुपए रेंट देना बड़ा मुश्किल हो जाता है आम एक दुकानदार को, तो उसमें दो लड़के और काम करते थे, उनकी भी 10-10 हज़ार सैलरी थी, हम इतना दे नहीं पाए, क्योंकि 5-6 लाख हमने रेंट दे दिया था, उसके बाद हमने अपना बिजनेस क्लोज कर दिया है और हम नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं इस टाइम, क्योंकि एज भी ऐसी होगी हमें ना इस टाइम नौकरी मिल सकती है ना हम बिजनेस कोई दूसरा पकड़ सकते हैं, जो हमारा पहला बिजनेस है वही खत्म हो चुका है। इसके लिए सरकार का कुछ ध्यान देना चाहिए और बिजनेस में भी थोड़ी रिबेट या कुछ करना चाहिए। इस बजट से हम ये उम्मीद करते हैं कि बजट अच्छा होगा और आम जनता को देख के होगा, और ये इलेक्शन के ऊपर देख के बजट ना बनाया जाए, मैं तो यही लोगों से यही उम्मीद करूँगा कि इसको देखे आम जनता को देख के बजट बनाया जाए, जिसमें आम जनता को भी राहत मिले थोड़ी बहुत। तो लोगों को आपने सुना कि किस तरीके से उनका ये कहना है कि सरकार जब ये बजट पेश करेगी, मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के तौर पर जब ये बजट पेश करें, वो उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छा बजट हो, एक संतुलित बजट हो, एक बैलेंस्ड बजट हो, जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। इससे पहले हमने तमाम लोगों की राय जानी है, उन लोगों का क्या कुछ कहना ये आपने सुना। अभी फिलहाल एक केमिस्ट की शॉप पर मैं मौजूद हैं, यहाँ पर अंकल जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं।
सर हम आपसे भी जानना चाहेंगे, बजट को लेकर आपकी क्या राय है, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं, क्या होना चाहिए इस बजट में? सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं, अभी बजट जब पेश करेंगे टैक्स कम से कम हो, हर वर्ग के लिए बिल्कुल सही हो। जब से कोरोना आया हमारा काम आधा भी नहीं रहा, हमारे जितने भी छोटे दुकान भाई दुकानदार हैं उनके पास तो काम बिल्कुल ही नहीं रहा है, तो इसलिए बजट बिल्कुल उनको सही तरीके से पेश करना चाहिए जो सब लोगों के लिए अच्छा हो, सब किसी के ऊपर कोई बोझ ना पड़े, इस ऐसा बजट हो। अच्छा महंगाई का कितना असर पड़ रहा है? महंगाई का तो बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, रोज हर चीज़ महंगी होके आ रही है, जो आज जो दवाई हमने बेच दी है अगले यानी बार आएगी तो 10% बढ़ के आती है, वो सब चीज़ बढ़ के आ रही है, परचून के जो जितना भी सामान है वो सब महंगा हो चुका है, तेलों को ले लो आप, घी को ले लो, हर चीज़ दालों को, हर चीज़ महंगी हो चुकी है, गैस का सिलेंडर महंगा हो चुका है, तो खट्टर सरकार को ये चाहिए भी हमें थोड़ी राहत मिले सब लोगों को। ठीक है, एक यूथ है हमारे साथ, इनसे हम बातचीत करते हैं, आप भी बताइए बजट को लेकर आपकी क्या राय है, ये जो बजट जो पेश होने वाला है 8 मार्च को, इसको लेकर आपकी क्या राय है, यूथ के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सर देखो, जो है सबके लिए बराबर होना चाहिए, जो महंगाई है वो थोड़ी कम होनी चाहिए और सबको फायदा हो, नुकसान किसी को ना हो। मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारी सरकार है जो महंगाई पे कंट्रोल करे थोड़ा, उससे सबको फायदा होगा, वर्करों को, अपना जो व्यापारी है सबको, उनको फायदा होना चाहिए, नुकसान किसी को नहीं होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है सरकार को थोड़ा अपने मशवरा करना चाहिए कि इतनी महंगाई क्यों हो रही है, क्या रीज़न है। रीज़न देखो हम तो कुछ नहीं कह सकते, मगर उनको एक बार बैठना चाहिए, सब कुछ जो भी है उनको सारा मशवरा करके तब आगे फैसला लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आप यूथ हैं और बार बार ये कहा जाता है कि भाई बेरोजगारी की जो दर है वो लगातार बढ़ रही है, युवाओं को, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि इसके लिए भी कुछ ना कुछ प्रावधान सरकार को इस बजट में करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए सर, मैं तो ये कहता हूँ कि जो बेरोजगार हैं उनको काम मिलना चाहिए, हर बंदा जो भी इतने पढ़े लिखे हैं बी एड जो भी कर रहे हैं तो उनको सबको काम मिलना चाहिए, उनसे उनका घर परिवार चलेगा और सबको सहयोग मिलेगा। जी बिल्कुल, तो ये लोगों की राय आपने जानी, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ लोगों से और बात करेंगे। तो बजट को लेकर लोगों की राय हम लगातार जान रहे हैं, कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, इनकी क्या राय है बजट को लेकर, क्या उम्मीदें ये कर रहे हैं। सर आपका नाम? अश्विनी कुमार जी। अश्विनी जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? मैं देख रहा हूँ कि आप व्यापार करते हैं, ये शॉप आप चला रहे हैं छोटी सी, व्यापार करने में कुछ दिक्कतें आपको आ रही हैं या आपको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, और सरकार को ये जो बजट है इसमें क्या कुछ आप लोगों के लिए करना चाहिए, क्या किस तरीके से आपका ख्याल रखा जाए? जहाँ तक दुकान का सवाल है, दुकान तो पिछले 2 साल से डाउन टू डाउन चली जा रही है, कुछ कोरोना का इफेक्ट है, कुछ मार्केट वैसे ही मंदी चल रही है, इस कारण काम बिल्कुल ख़त्म ही हुआ जा रहा है। जहाँ तक बजट की बात करें, बजट तो ऐसा होना चाहिए जिस पे ना किसी का दुकान पे बोझ पड़े ना कस्टमर पे बोझ पड़े, इक्वलिटी बेनिफिट मिले बराबरी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एक बैलेंस्ड बजट होना चाहिए, संतुलित बजट होना चाहिए जिसमें सबका ध्यान रखा जाए, लेकिन बार बार बेरोजगारी की समस्या की बात कही जाती है, महंगाई की समस्या की बात की जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात की जाती है, बहुत सारी बातें ऐसी कही जाती हैं जिसमें लगता है कि भाई सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए, आपको भी ऐसा लगता है क्या? नहीं, जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है, जैसे ओवरऑल मार्केट में श्रम पाएगा, हल्की होगी, मंदी होगी, तो धीरे धीरे जो लोगों के पास एम्प्लॉयज़ हैं वो छटनी करते जाएंगे, उससे बेरोजगारी और बढ़ेगी। तो आपने सुना, इन अंकल का ये कहना है कि उनका जो व्यापार है कोरोना काल में इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, और इसके साथ ही बेरोजगारी को लेकर उनका ये कहना है कि इस ओर भी सरकार को ध्यान देना होगा, क्योंकि लगातार बेरोजगारी जो है वो बढ़ रही है और ये भी एक गंभीर समस्या प्रदेश के लिए लगातार बनी हुई है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। तो बजट को लेकर हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी राय हम जानना चाह रहे हैं, और फिलहाल अभी एक ज्वेलरी शॉप पर हम पहुँचे हैं, यहाँ पर हम इनसे राय जानना चाहते हैं, इनकी भी क्या राय है और किस तरीके से इनका जो व्यापार है वो आगे बढ़ रहा है, या इस बजट को लेकर क्या वो उम्मीदें कर रहे हैं, किस तरीके से ज्वेलर्स के लिए खासतौर पर सरकार की ओर से सराफा बाजार में किस तरीके से बूस्ट आए उसको लेकर क्या प्रावधान करना चाहिए, इनसे हम बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका, शुभ नाम क्या है आपका? डेविस। डेविस जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बजट से जो 8 मार्च को पेश होगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करने वाले हैं, क्या अपेक्षाएं आपकी? नमस्कार जी, हम तो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से कुछ
अच्छे की ही उम्मीद करेंगे। जो 8 मार्च को बजट आना है, लेकिन जो फिलहाल के हालात हैं बाजार के, व्यापार के, बहुत मंदे, बहुत बुरे हाल हैं, और हम सरकार से यही अपेक्षा करेंगे कि कुछ अच्छा लेके आए, जो व्यापारी वर्ग वो आगे बढ़े, लोगों को अच्छा रोजगार मिले। लेकिन फिलहाल जो कोरोना का माहौल है और जो हम अभी देख रहे हैं यूक्रेन का, जो भी मतलब इसका फिलहाल जो रेट में बढ़ोतरी हो रही है, उसकी वजह से कारोबार बहुत मंदे हैं। तो हम तो यही कहेंगे सरकार से कि कुछ अच्छा करें। बिल्कुल। आप जो बिजनेस कर रहे हैं, इसमें किस तरीके की चैलेंजेस आपको आ रहे हैं, किस तरीके की दिक्कतें आपको आ रही हैं? सर, दिक्कतें तो महंगाई की दिक्कतें हैं, सबसे बड़ी दिक्कत तो महंगाई। अब आपको पता है सोना 52,000 के पार चला गया, हर किसी की पहुंच से मतलब पहुंच में नहीं है सोना, तो मजबूरी में तो कोई लेता ही है, लेकिन शौकिया जो काम है, मतलब जो लोएस्ट लगा लो मिडिल, उसके लिए तो गोल्ड खरीदना, तो महंगाई सबसे बड़ी दिक्कत तो फिलहाल महंगाई है। एक और भाई हमारे साथ है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। भैया एक थोड़ा सा बताइए हमें, आप भी राय बताइए। देखिए आप यंग भी हैं, यूथ भी हैं, और आप ये इतनी बड़ी शॉप चला रहे हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस भी होंगे, उसको लेकर हम आपकी भी राय जानना चाह रहे हैं कि आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं, बजट से क्या उम्मीदें आपकी? भैया जो ब्रदर ने बोला है, मेरी भी वैसी राय है सारी उनके बजट के बारे में कि कुछ अच्छा आए, मतलब जो लोगों की पहुँच तक हो ऐसा बजट आए। देखिए आप यूथ भी हैं, आप यंग हैं, तो युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए क्या कुछ होना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी की बात की जाती है, रोजगार की बात की जाती है, तो उसको लेकर आपकी राय? यस, सबके पास रोजगार हो, मतलब बिजनेस ऐसा हो, अगर बिजनेसमैन के पास काम होएगा तो सबको रोजगार भी मिलेगा। बिजनेस के लिए मतलब अच्छा मतलब बजट आना चाहिए। तो देखिए क्योंकि ये बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन है, और इसीलिए इनका ये कहना है कि जो इनका बिजनेस है वो बूस्ट करे, वो तरक्की करे, वो आगे बढ़े, इसके लिए भी सरकार को कुछ ना कुछ प्रावधान इस बजट के अंदर करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे। तो बजट को लेकर लोगों की राय जानने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है, लगातार जारी है, और एक अंकल हमारे साथ मौजूद हैं जो बेकरी की शॉप चलाते हैं, इनसे भी हम इनकी राय जानना चाहेंगे। सर, बजट को लेकर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है बजट में कुछ कौन से ऐसे प्रावधान सरकार को करने चाहिए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके, आप लोगों को राहत मिल सके, और जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसको भी कहीं ना कहीं बूस्ट मिले? बूस्ट मिलना चाहिए, दुकानदारों के पास तंगी है काम की, पैसा है नहीं बाजार में, बस किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं भाई? कोई लोन फोन देने चाहिए गवर्नमेंट को, देती नहीं है छोटे दुकानदार को, तो बड़ों को देती है, छोटों को नहीं देती। छोटा गरीब आदमी तंग है बेचारा, किसी को भाई झाड़ी नहीं मिलती, दुकानों पर काम नहीं है, क्यों पैसे की तंगी करके बिजनेस नहीं है मार्केट में, छोटा दुकानदार ज्यादा तंग है। क्योंकि आप बुजुर्ग भी हैं, बुजुर्गों के लिए सरकार को क्या कुछ करना चाहिए, उसको लेकर कोई राय? बुजुर्गों के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं करेगी, कमाना और खाना है दुकानदार ने तो। बुजुर्गों को पेंशन देती है सरकार, बुजुर्गों के लिए कई स्कीमें चला रखी है, ऐसा तो नहीं है गुजारा नहीं होता किसी का भी, 2,500 रुपए देते हैं, 2,500 में किसी का गुजारा नहीं होता, 80 रुपए रोज की, 80 रुपए में एक टाइम की रोटी नहीं बनती। अच्छा, कोरोना की वजह से दुकानदारी पे लगातार ये कहा जा रहा है, बहुत सारे लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं कि बहुत असर पड़ा है। कोरोना में खत्म हो गया काम बिल्कुल ही, कोरोना में तो दुकानदारों को खत्म कर दिया छोटा। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, आप भी बताइए सरकार को क्या करना चाहिए इस बजट से, क्योंकि आप जितना चाहिए थोड़ा महंगाई कम करनी चाहिए, महंगाई बहुत ज़्यादा, जैसे हम व्यापारी लोग हैं, काम धंधा अपना कर रहे हैं, तो सर महंगाई बहुत ज़्यादा है, इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है हम लोगों के लिए। और मैं ये कहूँगा छोटे मोटे लोन देना चाहिए सरकार के लिए, और महंगाई सर खासकर दुकानदारों के लिए, व्यापार छोटे छोटे व्यापारी उनके लिए लोन देना चाहिए। और सर मैं ये कहना चाहूँगा थोड़ी जो महंगाई है सर वो दर नीचे आनी चाहिए, महंगाई बहुत ज़्यादा है सर। देखिए महंगाई की एक समस्या है और लोग इसको लेकर लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सरकार महंगाई को किस तरीके से काबू करे, इस पर भी कुछ ना कुछ प्रावधान जरूर करने चाहिए। सर आप भी बोलिए, आप सबको बुलवा रहे हैं, आप भी तो बोलिए ना। चलिए, तो यहाँ पर आपने देखा हम तमाम लोगों से हमने बातचीत की है, खासतौर पर जो व्यापारी वर्ग है, इस बजट को लेकर वो क्या कुछ उम्मीद कर रहा है, उसकी क्या कुछ अपेक्षाएं हैं, वो हमने राय उनकी यहाँ पर जाननी चाहिए, कुछ लोगों से और बात करेंगे। तो बजट को लेकर लगातार लोगों की राय हम जानना चाह रहे हैं, एक अंकल हमारे साथ मौजूद हैं,
अंकल आपकी क्या राय है इस बजट को लेकर, क्या उम्मीद आप कर रहे हैं जो 8 मार्च को पेश होगा? मुख्यमंत्री जो है, जो वित्त मंत्री भी हैं प्रदेश के, वो इस बजट को पेश करेंगे, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? देखिए, मैं रिटायर हुआ गवर्नमेंट से और ये जो गवर्नमेंट है एम्प्लॉइज के लिए, पेंशनर्स के लिए कभी कुछ नहीं कर रही। इनको चाहिए कि वो उनके लिए भी ख्याल करें, क्योंकि अब मेन बजट तो जो अफेक्ट करता है वो सेंटर का करता है, इनकम टैक्स के ऊपर होना है, उन्होंने नहीं दिया कुछ भी, ये उसमें दे ही नहीं सकते, तो आम लोगों का जो है उसके ऊपर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। किसानों के बारे में सोचेंगे तो सोच ही जाओ, अच्छी बात है किसी को देते हैं तो, लेकिन बाकी जो और लोग हैं उनके बारे में सोचना चाहिए ना। हम इनसे डिमांड करते हैं, ये दो जी पेंशनर्स को ये प्रॉब्लम हो रही है, वो कुछ नहीं है कि, तो क्या फ़ायदा? सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट लेने से कुछ नहीं मिलेगा, अगली बारी अगर ऐसे ही रहेगा तो इनकी साफ हो जाएगा ये। ये भी हम जानना चाहेंगे सर, क्योंकि जैसे आपने बताया कि आप सरकारी कर्मचारी रहे, तो पुरानी पेंशन बहाली की जो मांग है वो लगातार अब जोर पकड़ती जा रही है। उसके मैं हक में नहीं हूँ, जब एक बार डिसाइड कर लिया तो बार बार चेंज करने का कोई मतलब नहीं है, उससे ज़्यादा किसी को फायदा भी नहीं होगा। जो 16 साल से उस पेंशन से महरूम है, क्या उनको सारा बेनिफिट देंगे? ये सोचने की बात है ना। 2006 में ख़त्म हुई थी पेंशन स्कीम, तो आज 22 हो गई, 16 साल हो गए, क्या 16 साल का बेनिफिट देंगे? ये ना आगे से लागू कर दे, 16 साल का पीरियड तो उनका ख़त्म हो गया। और सर्टनली मैं एक बात कहता हूँ, 2 साल से कैशलेस मेडिकल की फैसिलिटी देने की घोषणा कर रहे हैं, CM बार बार कर देते हैं, हर 15 दिन बाद पेपर में आ जाती है, दे रहे हैं, कहाँ है वो चिट्ठी? इनको IAS ही नहीं चलने दे रहे, वो अपनी मर्जी करते हैं, इनको पता नहीं है कुछ भी, सारे RSS के हैं, कभी सेक्रेटरीट बिल्डिंग चढ़ के नहीं देखा था, अब CM बन गए, मंत्री बन गए, तो जब तक IAS पे लगाम नहीं करेंगे ये कुछ नहीं कर पाएंगे। महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, उसको लेकर क्या प्रावधान करेंगे? देखिए, महंगाई तो वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, यहाँ वो ना कि हरियाणा में ही बढ़ी है, वो कोई बेमानी बात है कि सारी जगह बढ़ रही है। अब जैसे यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, उसका असर पड़ेगा, कोई कहे मैं यहाँ नहीं बढ़ने देते, ये गलत बात है, पॉलिटिकल बातें हैं सारी, इसका कोई फायदा नहीं। पेट्रोल तो बाहर से आता है, उस पर अगर रेट बढ़ते हैं तो यहाँ क्या करेंगे, और कौन चीखता है? जो रेडी चलाता है उसको पेट्रोल से क्या फ़र्क पड़ेगा बताओ मुझे, जो मजदूरी करता है उसको क्या पड़ेगा? अपोजिशन पार्टी वाले उनको उठा लेती हैं, आप बोलो जी, वो 500-500 रुपये लेके काम कर जाते हो, असलियत में आप भी चल रहे हो, कितना इफेक्ट पड़ा है बताओ? कुछ नहीं। जब मेरी तनख्वाह बढ़ रही है तो मुझे अगर 500 रुपये पेट्रोल पर देने पड़ रहे हैं तो क्या दिक्कत है? आम महंगाई है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, तो तमाम लोगों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और इन अंकल की बात को आपने सुना। अंकल जी का ये कहना है कि सरकार को अभी बहुत कुछ करना बाकी है और सरकार से उम्मीद भी कर रहे हैं कि इस बजट में कुछ ऐसे भी प्रावधान किए जाएं, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे वो जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके बारे में सरकार ज़रूर सोचे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। तो बजट को लेकर हम तमाम वर्ग के लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग से हमने बातचीत की है, बुजुर्गों से हमने बातचीत की है, युवाओं से हमने बातचीत की है, लेकिन अब कुछ महिलाओं से हम बातचीत करेंगे। अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे, कुछ महिलाएं इस पार्क में हमें नजर आई, हमने सोचा कि बजट को लेकर इनसे भी बातचीत करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 8 मार्च को बजट पेश किया जाएगा और हम सभी जानते हैं कि 8 मार्च को महिला दिवस है। महिला दिवस के दिन इस बजट को पेश किया जाना ये भी अपने आप में एक अहम बात हो जाती है, और इसीलिए हम अब बातचीत करते हैं इन महिलाओं से और इनकी राय जानना चाहते हैं कि इस बजट को लेकर इनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या अपेक्षाएं ये कर रही हैं। नंगपल्ला, मैं हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल से रिटायर हुई हूँ, तो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि महिलाओं की सबसे पहले तो सिक्योरिटी जरूरी है, क्या ओल्ड एज में वैसे ही बच्चे भी छोड़ते हैं, कभी आश्रम में जाते हैं, और दूसरा कि ये ओल्ड एज में ये स्नैचिंग केसेस हैं, कभी कहीं चल जाएं किडनैपिंग केसेस हैं, ये ठीक नहीं है। इनके लिए महिलाओं का सेफ्टी के लिए ज़्यादा ध्यान रखा जाए कि महिलाएं घर से बाहर आराम से, अब हमारे जैसे बुजुर्ग हैं हम निकलते ही नहीं कुछ भी, कहीं इधर उधर गिर गए तो किसी ने नहीं उठाना, तो इसलिए ये सबसे ज़रूरी है कि महिलाओं की सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, और ये स्नैचिंग वगैरह के केसेस ज़्यादा महिलाओं पर ही पड़ते हैं, उनकी चेन खींची, उनको गिरा दिया, तो हम पहनते ही नहीं, इसलिए थोड़ी सी ये भी हमें पता हो कि बाहर निकले हैं, सेफ है, सिक्योर है। यहाँ पंचकुला में ये समस्या है जो आप बता रही है, अभी भी है, हाँ बहुत ज्यादा है, हम बच्चे नहीं अकेले बैठ सकते, हम घर से बाहर निकलते हैं तो 100 बार सोचेंगे कि निकलें या ना निकलें, तो इसलिए ये ज्यादा जरूरी है। हाँ बिल्कुल मैम, बताइए। घर भी वापस पहुंचना कि नहीं, ऐसे देख लो चाकू छुरियां अपने रखते हैं जेबों में, और देख लो ये जो मोबाइल है और वो क्या कहते हैं ये चेन,
इनको ऐसे खींच लेते हैं ना, देख लो, इसीलिए हम पहनते नहीं है। बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे ये। लेकिन बजट में, लेकिन बजट में और क्या कुछ करना चाहिए सरकार को आप लोगों के लिए, महिलाओं के लिए? इसके बारे में तो सोचना चाहिए ना, ये जो आपको बता रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा तो यही है ना, तो देखना चाहिए इसके बारे में। देखो बस भी जरूर करो बस। महंगाई का भी कोई असर पड़ रहा है क्या आपकी रसोई पर? जी हाँ, महंगाई का भी है, बहुत ज्यादा पड़ रहा है असर तो वो तो, पर अब ये है अभी क्या कर सकते हैं। मैं देखो महंगाई अब चल रही है, ऐसे तो करना पड़ता है, खाना पेट तो भरना पड़ता है ना हमें, तो वो तो खाना पीना है ही है, बाकी और जो चीजें हैं ना ऊपर से बहुत मुश्किल हो रही है हमें बस। तो मैम, इस महंगाई ने क्या आपकी रसोई का बजट भी बिगाड़ दिया है? हाँ बेटे, वो गैस का सिलेंडर इतना महंगा कर दिया, अभी तो हरेक बंदे दे पॉकेट तो बाहर है, तो बाकी बच्चों को बाहर भेजते हैं तो हमारे को चिंता रहती है अभी अपने स्कूल या कॉलेज पहुंच भी जाएगा कि नहीं, थोड़ी इनकी सेफ्टी चाहिए हमारे को, और क्या, हमारा बुढ़ापा तो ऐसा ही ठीक है, बढ़िया चल रहा है। मैम, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, महिला सुरक्षा को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं, अब जब 8 मार्च को बजट पेश होगा, क्योंकि देखिए जो तमाम सहेलियां हैं आपकी, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर, किस तरीके से उन्होंने बताया कि महिला सुरक्षा एक बड़ा अहम मुद्दा है उनका, और इसके साथ ही रसोई का जो बजट है वो बिगड़ गया है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, दाल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, चावल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, रसोई गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कितना असर पड़ रहा है इसका? इसका असर तो बहुत ज्यादा पड़ रहा है जी। देखो औरतों के लिए तो ना बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि औरतों को सारा हिसाब किताब रखना पड़ता है। अच्छा, औरतों की इनकम तो कुछ होती नहीं बेचारी होंगी, वही है जो आदमी थोड़ा बहुत दे देंगे कर देंगे, इसलिए औरतों की देखभाल भी जरूर होनी चाहिए, कि जो औरतें नहीं कमाती या क्या बात है क्या नहीं, उनके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए थोड़ा बहुत। बहुत बुरा हाल है औरतों का, तो खास करके इंडिया में तो बुरा ही हाल है, बाहर देशों में नहीं है ये हाल, और कोई सुनता नहीं, अगर घर में कोई तंगी संगी या कुछ है तो कोई सुनने वाला नहीं है। गवर्नमेंट को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें औरतें भी शेयर करें और अपना कोई अपना स्टैंड बनाए या काम का या कैसे भी मतलब होना चाहिए, मैं तो यही है जी सबसे बड़ी बात है। शुक्रिया मैम। तो देखिए, तमाम लोगों से हमने यहाँ पर बातचीत की है, हर वर्ग के लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की है, और इसका मकसद हमारा सिर्फ इतना ही था कि बजट को लेकर लोगों की राय क्या है, लोग इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें कर रहे हैं, क्या कुछ अपेक्षाएं वो कर रहे हैं, और यही वजह है कि हमने इस पूरे एपिसोड में आपने देखा होगा कि हर वर्ग के लोगों से हमने बातचीत की है, चाहे वो बुजुर्ग हों, महिला हों, नौजवान हों, कोशिश हमारी ये रही है कि हर तरीके के लोगों से हम बातचीत करें, उनकी राय हम जानें। अब 8 मार्च को जब बजट पेश होगा उसमें सरकार इन सभी वर्गों का किस तरीके से ध्यान रखती है, जो सरकार की ओर से बार बार दावा भी किया जा रहा है कि ये आम जन का बजट होगा, आम जन के हित का बजट होगा, जनहित का बजट होगा, सरकार इन उम्मीदों पर किस तरीके से खरा उतरेगी, इसके लिए इंतजार हम भी कर रहे हैं और आप भी करिए। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर। Hey mom, hey look, I can download a song really fast. I can make